मैंने उनको बुलाया, उनको बताया है कि आपको मुंबई में डरने की बात नहीं है, मुंबई शिवसेना की भी है, आरपीआई की है, बीजेपी की है, कांग्रेस की है, राष्ट्रवादी की है, और मुंबई सभी धर्म के लोगों के, सभी जाति के लोगों के, सभी भाषा के लोगों की मुंबई है। मुंबई अपने देश की आर्थिक राजधानी है और यहाँ सबको रहने का अधिकार है और मैं मुंबई का। उन्होंने बोला कि मैं मुंबई का हूँ और आज मैंने उनको बताया है कि आप जो आपके साथ हमारी रिपोर्ट पार्टी रहेगी और जो उन्होंने बताया है कि भाई मेरा ऊपर मेरा पूरा मेरा बहुत बड़ा अपमान हुआ है। मुंबई महानगर प्रशासन ने मेरा जो जनवरी में मैंने ऑफिस बनाया था इतना अच्छा बनाया था और अगर कोई 2-3 इंच अगर हमने हमारा कुछ बांधकाम बिल्डर ने ज़्यादा किया होगा उसकी जानकारी मुझे बिल्कुल नहीं है तो उन्होंने बताया। और 2-3 इंच अगर वो बांधकाम ज़्यादा था तो मतलब वो तोड़ना चाहिए था, लेकिन अंदर का मेरा जो फर्नीचर है वो फर्नीचर जो पूरा तोड़ दिया है, पूरे जो वॉल थे वो भी तोड़ दिए हैं और मेरा भारी नुकसान हुआ है। मैं कोर्ट में जा रही हूँ और मैं कोर्ट से मुंबई महानगर पालिका की तरफ से मुझे कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए, इसी तरह की भूमिका मेरे सामने उन्होंने रखी है। मैंने उनको बताया कि भाई आपके ऊपर अन्याय हुआ है, आप जब यहाँ आ रही थी कल आ रही थी तो कल आप आने के बाद मुंबई महानगर प्रशासन ने आपको नोटिस देना चाहिए था, आपको 3-4 दिन का वक्त देना चाहिए था, कोर्ट में जाने का मौका देना चाहिए था। अभी कोर्ट ने मतलब स्टेज दिया है लेकिन अभी वो स्टेज से कोई मतलब नहीं है क्योंकि पूरा जो ऑफिस था वो कोर्ट दिया है, उन्होंने उसमें करोड़ों रुपये उन्होंने कलेक्ट किए थे। बोल रही है भाई जो मैंने मेरा जो फिल्मों में मुझे जो मेरी कमाई हुई तो सब मैंने उसमें लगा दी थी, मैंने बहुत अच्छा ऑफिस बनाया था, वो मुझे कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। कन्ना जो है कन्ना ने मतलब शुरू में सुशांत राजपूत के बारे में सही बातें बताई थी, सत्य बताया था और ड्रग के बारे में भी उन्होंने सूचना दी थी। उसके बाद मतलब एजेंसी भी ने पूरी इंक्वायरी की और उसमें प्रिया चक्रवर्ती हो, उनका भाई हो और भी कोई लोग इंक्वायरी कर दिया है तो मतलब उन्होंने ये भी बोला है कि भाई मेरा क्या संबंध है। कन्ना ने मतलब कल बहुत बड़ी न्यूज छापी कि कन्ना का भी ड्रग से संबंध है, क्या 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 मतलब उनके पास प्रॉब्लम सामना के ऊपर सामना पर भी नियंत्रण करने की आवश्यकता है। अगर सामना इसी तरह का गलत अगर कोई विदाउट प्रूफ अगर इसी तरह का कोई छापेगा तो सामना पर भी केस होनी चाहिए, संजय राउत पर भी केस होनी चाहिए और इसी तरह का बड़ी बड़ी न्यूज कल छुपाई थी। तो मुझे लगता है कि इसी तरह का मतलब इनका बदला लेने के लिए, इनका सूट लेने के लिए ये कार्रवाई मुंबई महानगर प्रशासन हो रही है। लेकिन शिवसेना को मेरा निवेदन है कि बीजेपी के 92 मेंबर थे और आपके 94 मेंबर थे, अभी थोड़ी सी ज़्यादा हो गई लेकिन बीजेपी के सपोर्ट से आप वहाँ थे और आपने इसी तरह का काम करना ठीक नहीं है। माननीय उद्धव ठाकरे जी के बारे में उनको आदर है, वो मेरे अच्छे मित्र हैं, बाला साहब ठाकरे जी के चिरंजीव है, शिवसेना को उन्होंने बाला साहब के बाद उन्होंने मजबूती से चलाने का काम भी किया है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी बने हैं, उन्होंने अपने शिव सैनिकों को आदेश देना चाहिए, मुंबई महानगर पालिका को आदेश देना चाहिए ताकि वही इसी तरह की कार्रवाई मतलब अपनी सरकार है सरकार के बदला में नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मतलब मुख्यमंत्री साहब ने तो महानगर पालिका को इसी तरह का आदेश देना चाहिए था नहीं और हमें जान को लग रहा है कि सरकार के पीछे है और उद्धव ठाकरे जी ने उनके आदेश पर ये मतलब उनके ऑफिस पालिका का जो ऑफिस है उनकी इंक्वायरी हुई। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।